get into. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज NCERT का अध्याय 1.1 कक्षा 10 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको वो जानकारी पढ़नी है जो जानकारी हम लगभग पीछे पढ़ चुके हैं। पिछले कक्षा में क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा किसी भी संख्या के स्क्वायर को 3 से डिवाइड देंगे तो क्या शेषफल बचेगा, वो उसका रूप सेट करना था। आज हमको क्या करना है, किसी भी संख्या में कोई धनात्मक पूर्णांक रहेगा उसके घन को सेट करना है कि उसको जब डिवाइड देंगे किससे, तो यहाँ आपको 9 का फॉर्म दिया हुआ, 9 इंटू मतलब यहाँ भाजक के रूप में 9 है, तो 9 से डिवाइड देंगे तो क्या फॉर्म आएगा, तो आपको क्वेश्चन करा हुआ है कि उसका फॉर्म जो होगा 9 से भाग देने पर क्या आएगा, 9m आएगा या 9m+1 आएगा या 9m+8 आएगा, यानी तीन ही फॉर्म रहेगा। किसका, तो नंबर का नहीं, नंबर का स्क्वायर को भी नंबर के क्यूब को यानी कि उसके घन को डिवाइड करें 9 से, तो तीन ही फॉर्म बनेगा, 9m या 9m+1 या 9m+8 बनेगा। तो इसमें 9 से भाग देंगे तो संख्या भी 9 को बनेगा, हम लोग 9 टाइप का संख्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 8 तक बच सकता है, तो 9 फॉर्म का संख्या बनेगा, फिर 9 का क्यूब करना पड़े तो काफी लंबा प्रोसेस बन जाएगा। जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था यहाँ 3 का संख्या था तो 3 संख्या था, 3 का स्क्वायर बताया था हमने, तो उसका स्क्वायर था नंबर, फिर 3 आया था, 3 6 स्टेप था, तो इसमें भी 9 संख्या बनेगा तो 9 का फिर स्क्वायर करेंगे, फिर 9 तो मतलब 18 से बनेगा हम लोग का, तो 9 बार क्यूब करना पड़ेगा, इसमें इसमें क्यूब है तो क्वेश्चन काफी लंबा बन जाएगा, 2 से टाइप करने चले जाएंगे आपकी कॉपी में। तो इसलिए इसमें एक सारांश क्वेश्चन है, कारण क्या, उसको छोटा कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। वो तो क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5, कहानी वही करेंगे, पहले इसकी संख्या मान लेंगे, मान लेंगे सबसे पहले माना कि धनात्मक पूर्णांक कोई भी धनात्मक पूर्णांक नहीं, कोई संख्या जो आपका क्या कलर प्रोसेस सिर्फ उसमें स्क्वायर करना था और वर्क करना था, आज घन करना है मतलब उसका पावर 3 करना है, क्यूब करना है, कोई पूर्णांक एस मान लिए, यहाँ प्रश्न से भाजक दिया हुआ है, यहाँ भाजक या जो हम लिखते थे वही लिख देते हैं, या प्रश्न से चूंकि भाजक दिया हुआ है या लिख सकते हैं डायरेक्ट भाजक दे सकते हैं कि भाजक जो दिया हुआ है डिविजर जो हम हुआ कितना है, तो 9 से भाग दें किसी चीज को तो 9 फॉर्म बनेगा, 0 से 8 तक बचेगा 9 फॉर्म आ जाएगा, फिर उसका घन करना पड़ेगा। तो एक बार जब गौर कीजिएगा 9 का जब गुणनखंड करेंगे अभाज्य संख्या में तो क्या क्या आएगा, तो सिर्फ 3 और 3 ही आएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 से डिवाइड देंगे तो 9 लग जाएगा। तो जाहिर एक बार आप भी जानते हैं बचपन से कि 9 का हर पहाड़ा 3 से लग जाता है, जिस कारण से 3 से लग गया तो 9 से लगेगा, लेकिन उल्टा भी रहता, 3 का हर पहाड़ा 9 से लगेगा ये संभव, बहुत सारी संख्या ऐसे आएंगी जो 9 से नहीं लगेगी, लेकिन 9 का हर पहाड़ा ऐसा होगा जो 3 से लगेगा, 3 पर भी चेक कर दें तो 9 का चेक खुद ब खुद हो जाएगा, साबित खुद ब खुद हो जाएगा, जिस कारण से यहाँ भाजक क्या ले लेंगे हम लोग, इसलिए अभिष्ट भाजक जो लेंगे यहाँ पर लिखना है यही रेट पड़ जाएगा, भाजक क्या ले लेंगे 3 लेंगे, या कोई एक से अधिक संख्या रहती, एक से अधिक टाइप के नंबर होते तो उसका प्रोसेस अलग है, वैसे क्वेश्चन भी आपको फिलहाल नहीं, तो यहाँ भाजक 3 आ गया। अब फिर प्रोसेस सारा कुछ वैसे चलेंगे, 3 पर चेक करेंगे हम लोग कि क्या करेंगे, अब यूक्लिड फॉर्म से यूक्लिड सूत्र से चूंकि हम लोग क्या जानते थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इसलिए जाहिर सी बात है किसको भाग दे रहे हैं, तो हम लोग एक्स को भाग दे रहे हैं, वो नंबर किससे भाग, 9 में प्रॉब्लम आया, बहुत ज्यादा संख्या है, बहुत टाइप की संख्या, 9 टाइप का तो स्टेप लंबा आया था, तो उसका टुकड़ा किया तो कौन मिला भाजक, तो 3 मिला, 3 से भाग देंगे उस नंबर को तो ये पता चल जाए तो एक्चुअली में क्या आने वाला, फॉर्म से 9 से लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है, तो 3 से लगाएंगे इस नंबर को तो 3 से कुछ बार लगेगा, हम इस बात को जानते हैं, या हम जानते हैं क्या,
तीन से कुछ बार में लगेगा और एक बचेगा, और या फिर ये आ सकता है कि तीन से कुछ बार में ये नंबर लगेगा और दो बचेगा, तो तीन ही फॉर्मूला। देखिए हमको क्या सेट करना है, इसका स्क्वायर सेट किया था पिछले क्वेश्चन, अब इसका क्यूब सेट करेंगे हम लोग और उसको डिवाइड करेंगे किससे, तो नौ से, क्योंकि नौ का फॉर्म लाना है। ये जो हमने संख्या ले लिया, ठीक वही कंडीशन, उसमें स्क्वायर का मतलब या सिर्फ और सिर्फ घन करना है, क्यूब करना है। अब वही लिखेंगे पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, और यदि नौ स्टेप, नौ से पढ़ा तो नौ, नौ का नौ स्थिति होगी हमारी। तो स्टेप वन में पहला बार क्या कर रहे हैं कि स्थिति एक के लिए, स्थिति एक में लिखेंगे या के लिए लिखेंगे, स्थिति एक में जब संख्या एक्स क्या रहा होगा, तीन से लगने वाला रहा होगा, तो संख्या का स्क्वायर पिछले क्वेश्चन में था आपका, इसमें क्या है संख्या का घन बोला है, मतलब पावर तीन करेंगे लोग, इसका क्या हो तो संख्या का जो फॉर्म है उसका ही पावर तीन करेंगे। इस पावर तीन को हमको देखना है कि नौ से लगता है नहीं, तो पहले इसका सेट करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म बनाएंगे, गुना है बटा पावर सब पैदा, तो तीन का क्यूब करें तो तीन गुना तीन तीन आएगा, तो तीन सत्ताईस हो जाएगा आपका, और क्यूब का पावर तीन हो जाएगा तो क्यूब क्यूब हो जाएगा, तो सत्ताईस क्यूब क्यूब बन गया ये। तो अब इसको लिखेंगे क्या करना है हमको, इस संख्या इस पावर नंबर का जो पावर क्यूब बना उसका फॉर्म ये है। अब इसको मुझे चेक करना है कि 9 से लग गया तो क्या बचेगा, 9 से लगाना है मतलब 9 का गुणनखंड इसमें आना चाहिए, तो 9 से इसको मारेंगे तो लिख सकते हैं 9 गुना बाकी कितना, तीन बार लगेगा हम लोग भाई, तो 9 का टुकड़ा 9 को पढ़ाइए, बाकी ये भी उसे गुणा के रूप में तो पढ़ा ये बन जाएगा, बाकी छाप देंगे लोग इसको, इस तरह लिख सकते हैं मतलब 9 से इतनी बार में लग जाएगा, मतलब इसी संख्या को जिस तरह उसने हम लोग एम माने थे उसी संख्या उसमें एम माना गया, तो 9 से कुछ बार में लग गया, तो इसी को एम मान लिए, जहां हम लोग स्टेप सेट करना, जहां एम बराबर क्या है आपका 3 क्यूब क्यूब है, 3 क्यूब क्यूब है, इसको हम जानकारी एक मान लिए, यानी कि संख्या क्यूब को हमने मारा तो 9 से कुछ बार में लग गया, पहला हो गया। अब क्या बोला है कि आखिर में इसमें एक बचना चाहिए या आपका आठ बचना चाहिए, देखते हैं। पहले टाइप के नंबर में तो जो लगने वाला था यहाँ तो तीन साल नौ से लग गया हम लोग, अब देखते हैं तीन से लगाया एक बचा तो उसमें क्या होता है, हम लोग नौ से लगाने पर देखते हैं। इसी दो में पुनः दूसरी स्थिति में, यानी कि स्थिति दो में, अब जब इसमें हम लोग देखेंगे स्थिति दो में, तो स्थिति दो में नंबर का फॉर्म क्या है, तो तीन से कुछ बार में लगा है और एक बचा है, तब जब नंबर का घन करेंगे तो यहाँ जो उसका फॉर्म है, स्वरूप है, उसका भी घन करना पड़ेगा, उसका पावर थ्री करना पड़ेगा। अब यहाँ पढ़ना पड़ेगा क्या ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़ना पड़ेगा, तो उसका फॉर्म याद रखना पड़ेगा हमें कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो इसको उल्टा पढ़ो जैसे भी आपको इसी पता वैसे याद रखेंगे, लेकिन चिन्ह वही रहना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर या बी स्क्वायर, जो आपको इजी आवाज पड़ता है उससे आप याद रखेंगे। तो इस तरह हम सेट करेंगे हम, तो ए पर नजर यहाँ रहेगा, बी पर नजर यहाँ रहेगा, अपन सेट कर लेंगे। तो आवाज पर क्या मैंने कहा था कि आप इस नंबर पर मत पढ़िए कि थ्री क्यू का हॉल क्यूब प्लस वन का हॉल क्यूब प्लस थ्री इंटू थ्री क्यू का हॉल स्क्वायर इंटू वन प्लस थ्री इंटू वन का स्क्वायर इंटू, उतना नहीं बोलेंगे हम लोग, ए और बी बोल के फॉर्मूला को सेट करें तो आवाज जल्दी पकड़ लेगा, क्वेश्चन भी जल्दी पकड़ में आएगा आपको। ए प्लस बी का हॉल क्यूब, ए पर नजर याद रखना है सिर्फ, और बी पर नजर याद रखना, तो ए प्लस बी का हॉल क्यूब क्या होगा, तो ए क्यूब, ए ये वाला हम लोग का ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब है तो बी ये वाला हम लोग का बी क्यूब हो गया प्लस थ्री ए स्क्वायर बी है तो थ्री ए ये वाला हम लोग का थ्री ए स्क्वायर बी ये वाला हम लोग का इंटू बी है हम लोग बी लिख दिए प्लस थ्री ए बी स्क्वायर है थ्री ए ये वाला हम लोग का बी स्क्वायर है बी ये है बी स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग सिंपल फॉर्म बनाएंगे, गुना बटा पावर सब पे जाएगा, तीन का पावर तीन सत्ताईस हो जाएगा, ये हम लोग का क्यू का पावर तीन बन जाएगा, क्यू क्यूब हो जाएगा, ये प्लस वन का क्यूब वन ही रह जाएगा, प्लस पहले घर में काम कर फिर घर से बाहर गुना करेंगे तो तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा, नौ होती है सत्ताईस से कम सत्ताईस हो जाएगा, ये मोगा क्यूब पर पावर टू था क्यूब पावर टू हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, ये पहले स्क्वायर काम करेंगे क्या स्क्वायर एक ही रह जाएगा, एक दिया तीन, तीन दिया नौ हो जाएगा ये मोगा, फिर क्या बच गया ए आ गया सॉरी यहाँ क्यू क्यू अब हम चल रहा है
हाँ करेंगे यहाँ क्यू रहेगा होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, पावर घटते हुए किसका वेरिएबल का, तो क्या लिखेंगे इसको लोग 27 क्यूब, क्यूब हो जाएगा ये उसकी कम पावर यहाँ पर हम होगा प्लस 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस क्या है 9 क्यूब है हम लोग का ये प्लस क्या बचा 1 बचा 1 2 3 4 1 2 9 का पावर सेट करेंगे इसमें तो 9 का पावर इसमें एक बचता है तो यहाँ से यहाँ तक 9 कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे तो 9 से देख लेंगे लग जाएगा ये 9 से लग जाएगा सबसे बड़ी संख्या 9 है जो सबको मार देगा यहाँ पर सबको डिवाइड देगा फिर क्या है क्यू सबको डिवाइड दे देगा इसमें क्यू 3 है यहाँ 2 है यहाँ 1 पीस है तो 1 क्यू सबको डिवाइड दे देगा 9 क्यू हो जाएगा इनटू में क्या बचेगा प्लस 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 9 से लगाएंगे 3 बार में लगेगा क्यू यहाँ 3 पीस था 1 पीस निकला 2 पीस बच गया हम लोग का फिर चलेंगे प्लस 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 रहेगा 9 से यहाँ 3 बार में लगाएंगे क्यू यहाँ 2 पीस था 1 पीस निकल गया 1 पीस बच गया हम लोग का यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा 9 से लगाएंगे यहाँ 1 बार में लगेगा हम लोग का और क्यू तो निकल चुका है कुछ भी नहीं बचेगा तो मतलब 1 बचेगा बाकी छाप देंगे। तो कह सकते हैं कि 9 से इतनी बार में लग जाएगा और एक 9 का गुणा फॉर्म है किसी का गुणा फॉर्म उसका टेबल होता है हम लोग का तो 9 इंटू इतना सारा हम लोग का इस सारे को हम लोग एम मान लिए बाकी यहाँ छाप देंगे। तो यहाँ पर फिर वही करेंगे करेंगे हम पहले क्या करते हैं जहाँ आपको बताना पड़ेगा कि जहाँ एम आपने किसको माना है तो यहाँ से यहाँ तक तो आपने माना है क्यू इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 इतना आपने एम मान लिया ये जानकारी 1 थी ये जानकारी 2 हो गई। अब हम लोग तीसरा में सेट करते हैं हम लोग जब समय सेट नहीं तो हम लोग होगा नहीं आगे चलते हैं हम लोग एंड इसे 3 में जाएंगे हम लोग स्थिति में क्या है हम लोग का कि संख्या फॉर्म क्या है 2 बचने वाला है हम लोग का स्थिति 3 के लिए स्थिति 3 में देखेंगे स्थिति 3 में या के लिए लिख सकते हैं आप स्थिति 3 में देखेंगे कि जब नंबर जो था पूर्णांक जो था धनात्मक क्या था तो 3 से लगने वाला था लेकिन 2 बचने वाला था तब तो जो है नंबर का क्यूब जो होगा तो उसका फॉर्म का भी क्यूब करना पड़ेगा 3 क्यूब प्लस 2 उसका हॉल क्यूब करेंगे तो यहाँ फिर पढ़ने का मौका मिला आपको वैसे ही ए प्लस बी का हॉल क्यूब तो फिर वही सेट करेंगे ए प्लस यहाँ रहेगा बी प्लस यहाँ रहेगा तो ए क्यूब बनता है फॉर्मूला ए लिख लिया लोग क्यूब मतलब हॉल चलेगा इसे लिखते थे यहाँ पर इंटू में इसलिए हॉल देना पड़ेगा ए पूरा संख्या ए हम लोग ए क्यूब बन गया प्लस बी क्यूब होता है तो बी हम लोग 2 है बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब बी क्यूब हो गया ये प्लस 3 ए स्क्वायर भी होता है 3 ए प्लस यहाँ पर रहेगा हम लोग 3 ए स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू फिर बी हम लोग बी ये ले लेंगे हम लोग 3 ए स्क्वायर बी हो गया प्लस क्या 3 बी स्क्वायर एक बचाए 3 ए बी स्क्वायर बोलेंगे तो 3 ए बी स्क्वायर ए ये वाला हम लोग 3 क्यूब फिर बी स्क्वायर तो बी क्या है 2 है उसका स्क्वायर हो जाएगा हम लोग अब यहाँ आगे बढ़ जाएंगे तो गुना है बटा पावर सब पे है तो 3 का क्यूब हो जाएगा तो क्या होगा इस बार गुना का पावर कुछ भी है उसे मतलब नहीं है उस सब पर चला जाता है बस यहाँ गुना पहला होना चाहिए गुना है बटा होना चाहिए बस ना इसमें ऐसा नहीं होता है बस ना ऐसा तो यहाँ फॉर्मूला चला लो तो 3 कि यहाँ देखेंगे गुना है बटा पावर सब पे आता है तो इस पर जाएगा तो 3 जीरो 27 बन जाएगा ये क्यूब क्यूब बन जाएगा ये प्लस 2 का क्यूब करें तो ये 8 बन जाएगा प्लस पहले घर का काम करेंगे ब्रैकेट का 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हुआ 9 के 27 27 गुना 54 हो जाएगा यहाँ पर फिर क्या बच गया क्यू का पावर था हम लोगों का क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये फिर ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस पहले स्क्वायर काम करेंगे घर का काम करेंगे 2 का स्क्वायर 4 4 के 12 12 के 36 हम पावर कोई टेंशन नहीं होगा 2 का स्क्वायर 4 के 12 के 36 हो गया हम लोग का यहाँ पर क्यू का पावर 1 ही है तो 1 ही रह जाएगा एक ही बार क्यू आ जाएगा 36 क्यू हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग इसको पावर को सजा देंगे ये वेरिएबल ये सॉरी कॉन्स्टेंट जो है लास्ट में आ जाएगा ये हो जाएगा क्या 27 क्यू क्यू हो जाएगा प्लस है 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या है 36 क्यू है प्लस क्या बचा 8 सच गया हम लोग का। अब हम लोग इसे 3 का पावर 3 कॉमन निकालते हैं तो फिर इसमें पिछले ऐसा ही क्वेश्चन जिस तरह से पिछले क्वेश्चन हम लोग सेट किए थे ये 3 से मारना होता तो 3 में 6 अलग कर लेते 2 अलग कर लेते वैसा तो है नहीं हम लोग 9 से लगाना है तो 9 से लगाने में 8 बचने चांस होता है तो प्रॉब्लम नहीं है वो शेष में आ जाएगा हम लोग। तो यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं कि 9 का टेबल लगेगा या उससे ज़्यादा लगेगा क्या 9 का फॉर्म सेट होता है नहीं होता तो 9 का टेबल सबसे बड़ा इसमें 9 लगा देगा हम लोग 9 लग जाएगा सबसे बड़ा वैसे भी इसी का 9 है हम लोग 9 वैसे देंगे जो सबको लगा देगा यहाँ पर
नौ लिए, क्यू में देख रहे हैं क्या है, क्यू ले लेंगे वो सर्कम पर क्यू है, ये सर्कल पर क्यू है जो नहीं सबको लगा देगा, इसको भी इसको लगा देगा, तो नाइन क्यू कॉमन निकाल यहाँ पर। अब यहाँ चलेंगे लोग प्लस 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 रहेगा नौ से कितनी बार में, तो तीन बार में नौ सत्ताईस हो जाएगा हम लोगों क्यों, यहाँ तीन तो तीन पीस था तो यहाँ कितना पीस आया, एक पीस बचा कितना पीस, दो पीस बची हम लोगों, प्लस 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 हो जाएगा यहाँ पर नौ छक चौवन हो जाएगा यहाँ पर, क्यू दो था यहाँ एक निकल गया बचा एक यहाँ पर एक क्यू बचा, फिर चलेंगे प्लस 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 हो जाएगा यहाँ पर, फिर नौ से लगाएंगे कितनी बार लगेगा, चार बार में लगेगा, क्यू यहाँ एक था निकल चुका है नहीं बचेगा यहाँ पर, बाकी छाप देगी। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि नौ से गुणनफल पकड़ा है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़ाया हो, तो ये संख्या जो फॉर्म है इस संख्या को कोई नया नाम दे देंगे लोग, क्यों नंबर अक्यू से अलग नंबर बन चुका रहेगा, ये हम यहाँ अक्यू है क्योंकि बहुत सारे फॉर्म है तो ये नंबर अलग देगा, तो उसी नंबर को क्या मान लेंगे हम लोग एम मान लिए, बाकी छाप देंगे तो क्या बनेंगे, नौ से कुछ बार लगेगा ये नंबर और आठ बचेगा। जहाँ को शो करना पड़ेगा कि जहाँ आपने एम किसको माना है, जहाँ को शो करना पड़ेगा कि एम जो आपने किसको माना है, तो यहाँ से नौ छोड़ करके जो बचा जिसको आपने एम माना है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्यू इन टू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू प्लस फोर है आपका, इसको जानकारी तीन मान लेंगे। अब देखिए जानकारी एक से, जानकारी दो से और जानकारी तीन से हमें ये पता लगा, चला कि नंबर के क्यूब को जो हम संख्या मानते हैं उसके क्यूब को जब हम लोग नौ से डिवाइड देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, या एक बचेगा या आठ बचेगा, इस प्रकार हम लोग चलने पर ये सट को आता है कि साबित हो जाता है कि जानकारी को तीन से आप कह सकते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर जो आएगा उसको नौ से डिवाइड करेंगे उसका फॉर्म जो है संख्या का क्या बनेगा, तो नौ से लगने वाला या एक बचने वाला या आठ बचने वाला। कह सकते हैं कि किसी भी किसी क्वेश्चन का लैंग्वेज है इसलिए आपको याद रहेगा, किसी भी या किसी धनात्मक यानी पॉजिटिव हो गया धनात्मक पूर्णांक का घन पावर तीन नाइन एम या नाइन एम प्लस वन या नाइन एम प्लस एट के रूप का होता है या के रूप में होता है, के रूप में होता है, होता है, यह आपका सब हो गया। शुक्रिया। It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.